आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और धूप भी निकली हुई थी, तो मेरा हो गया पिकनिक का मूड। तो मैं अपनी टीम को लेके आ गई जल्लो पार्क। जल्लो पार्क का हम सब ने सुना है, हम सबको पता है, लेकिन हम बहुत यहाँ कम आए हैं। मैं भी आखिरी बार शायद बचपन में आई थी। जल्लो पार्क सबको पता है जो कि सीक्रेट ऑफ लाहौर तो नहीं हुआ, लेकिन जल्लो पार्क के अंदर बहुत से सीक्रेट्स हैं जो शायद हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किए। तो अभी आज देखते हैं कि जल्लो पार्क के अंदर क्या क्या बन गया है। रॉक गार्डन ओह, ये रॉक गार्डन है जिसको देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अभी कुछ बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रॉक गार्डन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉक्स ही रॉक्स हैं। तो ये है जल्लो पार्क का पहला सीक्रेट बटरफ्लाई हाउस। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे 3000 स्पीशीज है तितलियों की, तो अब देखते हैं कि कैसी हैं वो। और ये मैंने टिकट खरीदा है और टिकट के ऊपर लिखा है कि ये टिकट वैलिड है सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी जाके शूट करना चाहिए इससे पहले कि मेरा टाइम अप हो जाए। ओह क्यूट, ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। ये बटरफ्लाई पहले अंडे देती है, फिर लार्वा बनता है, उसके बाद लार्वा जो है ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई बन जाता है। और ये पूरा लिखा है कि कैसे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बनता है। तो ये बटरफ्लाई लगी हुई है, बटरफ्लाई डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये डिफरेंट है, कलरफुल सी है, क्यूट है। और ये कितनी क्यूट है, इसके कलर कितने प्यारे हैं। ये है स्टोरियो बटरफ्लाई हाउस जल्लो। ये मिस्टर इफ्तिखार अहमद जो हैं PHA के वाइस चेयरमैन, उनका एक आइडिया था रैंडम सा, लेकिन इसको फिर प्रैक्टिकल हो गए वो उस आइडिया को लेके और ये बटरफ्लाई हाउस बन गया। ये जो है, ये पूरा जो बटरफ्लाई हाउस है ये 70 मिलियन में बना था, और इधर जो है 25-35 डिग्रीज का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है, और ह्यूमिडिटी लेवल्स को मेंटेन किया जाता है जो कि होते हैं 50-80%। ये प्यूपा है, वो जो हम उधर पढ़ रहे थे ये वो अभी बटरफ्लाई बनेगा। ये क्यूट। और इधर टेम्परेचर, उधर हमने पढ़ा था कि वो एक टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इधर बहुत प्यारी आवाज़ है और ये बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ पे पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे खामोशी है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये अलग ही एक दुनिया है, इट्स लाइक एंटरिंग इनटू अ सीक्रेट गार्डन। एक छोटी सी तितली है, ये वो ही है जिसको मैं बोल रही थी, इसका कलर कितना प्यारा है। अभी मुझे एक ही तितली मिली है, अभी देखते हैं आगे जाके। हाँ इसमें मछलियाँ हैं। नहीं इसमें मछलियाँ नहीं है। तो मैंने पूछ लिया यहाँ के ऑफिशियल से, इसमें मछलियाँ हैं, पर क्या हो सकता है। मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है यहाँ पे। ओ वो भी मछली। बटरफ्लाई हाउस सुन के मैंने जो इमेजिन किया था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगी और तितलियाँ ही तितलियाँ होंगी हर जगह पे,
जैसे एनिमेटेड मूवी में होता है. लेकिन यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने हमें बताया कि अभी तितलियों का मौसम नहीं है, तो अगले महीने तक तितलियाँ होंगी यहाँ पे ढेर सारी. मछलियाँ हैं, तोते हैं, हमने वो देख लिए. यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है अब, तो मैं अब चलती हूँ बाहर. पार्क का एक हिस्सा और अब हम जा रहे हैं इसके दूसरे हिस्से में जहाँ पे लेक्स और पार्क्स हैं. जल्लो पार्क 1978 में बना था और ये पूरा पार्क बहुत बड़ा है. ये 461 एकर्स पे है ये पार्क. और ये रहे टिकट्स, एक टिकट वाइल्ड लाइफ पार्क का 10 रुपए में आएगा. यहाँ पे इस जगह पे डक्स हैं और उधर लिखा हुआ था कि जहाँ पे जो जानवर हैं वो खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, सेब खाते हैं. उस बोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिखा हुआ है कि इनकी खुराक क्या होती है. यहाँ पे सारे कॉमन बर्ड्स हैं, ईमू है, हमने वहाँ पे डक्स देखी, पीकॉक्स हैं. तो यहाँ पे आप बर्ड्स देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट. क्योंकि जल्लो पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है और मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ, तो मैं अब आगे झील पे जाऊँगी रिक्शे पे. वाकई जल्लो पार्क बहुत बड़ा है और अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, आप यहाँ पे आके क्रिकेट बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप यहाँ पे आके बारबेक्यू भी कर सकते हैं क्योंकि बारबेक्यू पिट भी है यहाँ पे. और अभी है यहाँ पे झील, बहुत ही खूबसूरत झील है, बहुत प्यारी है. और अगर आप आ रहे हैं तो और आपके पास टाइम है तो आप बोटिंग भी लाजमी करें. वाओ, यहाँ से ये झील बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. यहाँ पे भी गन मचाया हुआ है लोगों ने, हालांकि जगह जगह पे लिखा हुआ है कि सफाई का ख्याल रखें. और अच्छी बात जल्लो पार्क की है कि यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे डस्टबिन हैं. यहाँ पे हवा बहुत है, मुझे बहुत ठंडी भी लगी है और मैं थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ यहाँ पे बैठ के. और ये है बलोचिस्तानी काला रीछ. ठीक है, ये बेयर्स हैं और ये क्या करें, फिर रहे हैं वो लोग इधर. इधर लिखा हुआ है जानवर खतरनाक है, जंगल से दूर रहें, तो दूर रह के ही देखना चाहिए. यहाँ पे और भी बहुत इंटरेस्टिंग से जानवर हैं. यहाँ पे नील गाय है, यहाँ पे ऑस्ट्रिच है. अगर आप जल्लो पार्क आ रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ गाड़ी में घूम सकते हैं क्योंकि ये एक तो बड़ा बहुत है और डिस्टेंस डिस्टेंस पे चीज़ें. तो आप अगर आ रहे हैं और गाड़ी आपके पास तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं. अभी मैं जाऊँगी अपनी पिकनिक मनाने इससे पहले कि धूप और भी ख़त्म हो और मैं कुछ खाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. बाय बाय.